अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आपकी। मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अंजाम टीवी के साथ। आज हम जिस फनकार का आपके साथ तारुफ करा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये ऐसे फनकार हैं जिन्हें देखते साथ ही हंसी आ जाती है। स्टेज के बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, टीवी बहुत किया है इन्होंने और फिल्में भी की हैं। तो पहले हम इनसे मिलते हैं, मज़ीद इनसे मिलकर बातें करते हैं, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आज इस फनकार से, उनका नाम है यूनुस गुल। यूनुस गुल साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँ मैं आपको खुश आमदीद मैं कहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अंजाम टीवी पर बुलाया है। मैं सबसे पहले आपको वेलकम कहता हूँ और हाँ, देखने वालों को भी वेलकम करता हूँ, इसलिए कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो मज़ीद ये है कि मैं बस फनकार हूँ, मेहनती हूँ, लोगों को दिलों के राज लेता हूँ। और हाँ, एक चोर ज़रूर मैं, लोग चोरी करते किसी सोने की पैसे की, मैं लोगों के आँखों के आंसू चलाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ, ये मेरा मिशन। देखें नाज़रीन, आप देख रहे हैं ना कि मतलब वो मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, वो खुद बोले जा रहे हैं। इनकी खूबी है, इजाफी खूबी है। अब इनकी क्या क्या खूबी है ये हम उनसे बात करते जाएंगे और पता चलता जाएगा। अच्छा यूनुस साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपकी हंसी मजाक की तो बातें हम बाद में करते रहेंगे, ये बताएं आप कब से काम कर रहे हैं। जी मैं तकरीबन 38 साल से इस फील्ड में हूँ। 38 साल से? ओह माई गॉड, तो क्या पैदा होते ही आ गए थे क्या? ओह, 23 साल की उम्र में मैंने पहला ड्रामा किया। 23 साल? जी मेरी उम्र 63 साल है इस वक्त। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो लगते ही नहीं है। मैं लगता नहीं हूँ, इसलिए नहीं लगता हूँ कि मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब असलम शाह साहब माधवी मुल्तान के बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर थे, उनके तकरीबन लाख तदाद ड्रामे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत मैं बनाऊँ। मैं अपनी रंजा, शैतान, शरीर कहीं का घर, शीशे का घर, शहर की लड़की, बेशुमार ऐसे ड्रामे जो कि मेरे बगैर अधूरे रह गए प्यासे लोग। जब तक मैंने उनमें जो करके मेरे उस्ताद ने मुझे कराया, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की, मैंने उन मेहनत में अजमत समझ के काम किया। और मैं वो आर्टिस्ट हूँ कि सारा दिन मैं पोस्टर लगाता था, रात को मैं साइकिल लगाता था, फिर मेकअप भी करता था, फिर खुद एक्टिंग भी करता था। मैंने ये काम सारे दिन से ना, आजकल तो लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब पे फलाने पे या मोबाइलों के अंदर, मैंने बकायदा हर काम को ईमानदारी और इबादत समझ के किया। नाज़रीन मैं ना ये जो यूनुस गुल साहब की एक इजाफी खूबी बताऊं कि ये फनकार ज़रूर है मगर हार्ड वर्कर भी बहुत हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी शख्स, कोई फनकार, कोई आर्टिस्ट, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई आम रूटीन का बंदा इनसे कह दे ओए गुल साहब, यार गुल मेरी गल सुन, एक काम तू करना है, तो इन्होंने वो काम किया है भावें सारी रात जागते रहने। मलका जी मैं इस बारे में एक बात जानता हूँ कि सिर्फ दो चीज़ें आप ईमानदारी से करें, अल्लाह उसका देखता ज़रूर है, दुनिया में भी आखिरत में भी। आप कोई भी काम मेरे सुनने लगा दें, मेरे अंदर ना नहीं है, मैंने वो काम करना। आप मुझे कहते हैं कि गुल साहब सुबह 10 बजे कोई चीज़ लेकर आनी या कोई काम सामान फलानी जगह पहुँचाना है, मैं आपके काम की वजह से सारे रात जागूँगा। मुझे चाहे 2 दिन का ज़्यादा हो, मैं वो 10-11 बजे काम करके फिर आके सोने की तैयारी करता हूँ, दिल से बहुत उतार के सोता हूँ। किसी का कोई कर्जा नहीं देता, किसी का कोई कर्जा नहीं है मेरे पर, किसी की कोई आज तक बात नहीं है, लोग मुझे जो कहते हैं मैं वो काम हंसी और खुशी के साथ करता हूँ। देखिए नाज़रीन, ये भी बहुत कम लोगों में खूबी होती है कि कोई बंदा काम कह दे तो एम ही माथे पर शिकन आज दिल है, इन्होंने सारा काम ही कह देता। तो मगर ये वो फनकार भी हैं, वो शख्स हैं कि जो कहते हैं कि नहीं, अगर किसी ने काम कह दिया तो ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसको पूरा करना है, और वो पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद फिर सोते हैं। ये बहुत कम लोगों में सलाहियत होती है, ऐसे ही जी। अच्छा मैं आपसे गुल साहब एक बात करना चाहती हूँ जी, जी जो मुझे बड़े अरसे से खटक रही, आज आप मेरे ना हते चढ़ ही गए। माशाल्लाह, कोई ऐसी गल ना करते
कहती हूँ लोग मैं क्या तुझे हजार ना ऐसी तो आप लोगों लगे। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, स्टेज की आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। मैं मुल्तान गई हूँ ना, तो मैं कराची मुल्तान गई ड्रामा करन वास्ते, तो अगे वेखिया तो यूनुस गल सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जे मैं गई हाँ कराची तो पता लगे यूनुस गल सब ड्रामा कर रहे हैं। चलो जी इतफाक होएगा। जे मैं गई हाँ रहीम यार खान तो पता लगा कि जनाब यूनुस गुल साहब रहीम यार खान ड्रामा कर रहे हैं। जे मैं आगे लाहौर ड्रामा कर रहे हैं, पता चल रहा है यूनुस गुल साहब ना तमासिल च काम कर रहे हैं। गुल साहब एक ही गल है, कोई तुसी जिन हो कोई होर गल है की है कि पर लगे हुए थोड़े। बात यह है कि मुझे 38 साल से जब मैं इस फील्ड में आया था मेरा पहला ड्रामा था, मुझे याद नहीं है। बाकी उस ड्रामे के अंदर ना मैंने पहले ही लाफ्टर और वो जब कलैपे लिए ना, आप यकीन करें मैं रोने लग गया। अच्छा मुझे वो कहने लगे रोता क्यों, मैं कह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे मजाक कर रहे हैं। वो कहता है कि आसान वास्ते तो लोग तेन कलैप कर रहे, बस वो कलैप ऐसी दिमाग में बैठी है। उसके बाद आज तक या कोरोना की वजह से कोई ड्रामे नहीं, और 38 साल में ये पहली गई है जो कि मैंने कहीं ड्रामा नहीं किया। ये तो आप यकीन करें 3-4 ड्रामों का एडवांस मेरे पास होता था ईद का। एक आपको एक ईद का वाक्य बताऊँ, वो उस ईद पे ना मुझे 3 जगह से कैसे मिले, वो तो दाखिल है मैं दाखिल है। तो 2 दिन रह गए ना, एक बंदा आया उन्हें कह गल सुन गुल साहब तुम सारा ड्रामा कर लो, ए डबल तो 3 पेमेंट ले लो। मैंने कहा कि आप यकीन करें कि जब वो मुझे पट्टी चलाई, मैंने हाथों पे पट्टी चलाई, पाँव पे पट्टी चला के मैं यार देखो वो मेरे पास ताजियत करने आए, देखिए बाकी पट्टी हो गई होगी। तो उन्होंने कहा यार कोई गल नहीं, और मजीद खर्चा दे के कहता अगला ड्रामा फिर कर दूँ। मैं पट्टियाँ खोली रात में, फिर शामों शाम मैं ना गड्डी स्पेशल कार करा के मैसी गया, जाके उसे मैं ड्रामा देता उनकी बातों में आ जाते। अब सारे होशियार हो गए आपकी बात से। कोई बात नहीं, अब होशियार तो खैर पहले भी थे लोग, फड़े गए और फड़े गए। आप यकीन करना बेशुमार अगर तादाद में देखा जाए ना अपने ड्रामा दी बेशुमार ड्रामे ऐसे ज्यादा है। यकीन करो मैं तुमने एक दोस्त ने मैंने कहा कि दुनिया को ड्रामा लाना, मैं क्या आ रहा यार, उन्होंने मैं 12,000 रुपये भेजे उस वे कि मैं क्या 12,000 दे पूरी टीम इकट्ठी करके मैं उसे पहुँच गया। जो तो 7वां 8वां शो सी ना जुमे रात का, तुम यकीन करें इन्ना व्डा शो सी कि 3-3.5 लाख का। तो प्रोड्यूसर आया हाफ टाइम के लिए, सारा पेमेंट दी, तो मैंने कहना देखिए तो हाफ टाइम और तो ब्लैक हो क्यों पकड़िए बस यह थोड़ी नेकी का सिला। हाँ जी, और मेरे को उस वेल्ले सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये 13 रुपये से मुल्तान जावा तो उसे 20 रुपये लगते थे, लाहौर आवा तो उसे 60 रुपये लगते थे। उस जमाने कि कितने जावा वो जो अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है असं कभी तीनों भी लाइक गल कि अल्लाह से भरोसा किया, उन्होंने पैदा किया और रिस्क देने लगा। मैं रात को सुकून और जाकर सो गया, तो सुबह उठे तो थिएटर का मालिक है गुल भाई आप गए नहीं, मैंने कहा यार अब उठ के मैं नाश्ता करके जाऊँगा। अरे आपने जाना नहीं है, आप अगला ड्रामा नहीं करें। और मैंने कहा यार मैंने तो मुल्तान के प्रोड्यूसर के पैसे पकड़े हुए, फिर उन्होंने मैं फ़ोन कर दूँगा लाए एडवांस तो अच्छी है, अल्लाह ने ऐसी इज्जत कर दी। और जिनी पेमेंट वो लैके पढ़ी असी लाहौर का प्रोड्यूसर से, यकीन करना उससे किन्नी छुट्टी मिल रही है। सबर का फल जो होता है हमेशा हमेशा मैंने सबर और तहमल के साथ काम किया, किसी के साथ इस काम को अपने थिएटर लाइन को और उसको मैंने वापस समझ के काम किया। और इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि जो आज काम किया वो कल भूल दो, मैंने कल क्या किया कुछ नहीं। अब मैं ये पहला इंटरव्यू समझ के आपको दे रहा हूँ, हालत है मेरी लाइफ में बेशुमार इंटरव्यू ऐसे हैं कि मैंने किए और मेरा दिल खुश हुआ है हर बात पर। फीजा मॉर्निंग शो पे और सहर लोग की शो पे बड़े शोर पर मुझे आज हम जो अनजान टीवी पे इंटरव्यू
किसी चैनल पे मुर्दा नहीं आया। बहुत शुक्रिया गुल साहब, बहुत शुक्रिया, पसीराई का भी बहुत शुक्रिया, और आपके साथ भी बात करके मुझे मज़ा आ रहा और दिल चाह रहा है कि मैं आपको छेड़ूँ और मज़ीद बातें आप निकालें। और नाज़रीन, एक बात आपको मैं गुल साहब की एक और इजाफी खूबी बताऊँ कि मैंने जैसे कहा कि ये हार्ड वर्कर हैं, बेशक ये हार्ड वर्कर हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। दूसरा ये कि गुल साहब गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, मैं आज तक मैंने इनकी ड्राइविंग नहीं देखी है, मगर जिस थिएटर पे भी मैं काम कर रही हूँ, गुल साहब काम कर रहे हैं, या कहीं हम किसी रिहर्सल पे बैठे हैं तो ऐन ही आवाज़ आ गई कहीं से, ओ यार गुल फड़ी चाबी, ओ यार गुल फड़ी चाबी, पहले गड्डी कर, ये क्या चक्कर है, हर बंदा आपको चाबी क्यों पकड़ा देता है। मैं आपको एक सच्चा वाक्य से इतार करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कराची गया हूँ, मैंने रूहानी उस्ताद अपना वैसे साहब को मानता था, फेवरेट शक्ति देखी असम शाह साहब से। दूसरी दफ़ा जब मेरे दिल में आया ना कि मैंने उमर शरीफ साहब को उस्ताद बनाना, मोहन अख्तर साहब को उस्ताद बनाना, आप यकीन करें मैं कराची चला गया। मैं वहाँ पर गया हूँ तो जुमे के दिन मुझे पता लगा कि ये थिएटर आदम ऑडिटोरियम, उस आदम ऑडिटोरियम के अंदर मुझे पता लगे यहाँ पर डॉक्टर थे तो बड़ी पोस्टर लगे हुए थे, मोहन साहब का था, तब हुसैन साहब का फलाने बड़ी कॉस्टली, बल्कि यार मुझे और मैंने क्या दोस्त पाकर वो आप ही जगह बना दे। मैंने जुमा पढ़ा, मैं साथ मंदिर में नाम पर जाकर मैंने जो चौकीदार था एक चाय का कप अपने एक चाय का कप इसके लिए, मैंने कहा भाई आपने ये बता देना मैंने उम्र शरीफ साहब आए ना, तो आपने कहना वो आप बस आप लोगों को काम नहीं कर। चार का टाइम थे, आर्टिस्ट आना शुरू हो गए, आके जो स्टार है रफुल्ला सब ये नहीं थे कि ये लोग आए ना, तो उमर शरीफ साहब ने आके गाड़ी रोकी है, गाड़ी से बाहर निकले तो चश्मा निकाला, उसमें से दो स्टारे निकले अंदर गए, तो उमर शरीफ साहब उस वक्त वो बड़ा मोबाइल होता था, अच्छा। उस मोबाइल से ना किसी को गुफ्तगू करने लगे, उन्हें दो उमर शरीफ आए, मैंने भाग के ना जाकर वह भाई कौन है अभी कौन है, मैंने कहा भाई ना मेरा नाम यूनुस अकबर है, मैं मुल्तान से आया हूँ और मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ आर्टिस्ट को। मैंने कहा अच्छा पढ़ा, मैंने कहा फनकार बनने आया, मैंने कहा जो मर्जी काम करो आप वो करेंगे। मैंने कहा वहाँ एक कसी पड़ी थी, एक तसला पड़ा था, सब ने कहते ये तीन तसले भर के ना जाके बाद दे दो। मैंने मलका जी उठाए कुछ हुआ उठा के वो तसले बाद दे दी, बाद शीफ अंदर में कर दिया गली में जाकर बहुत सारे स्टार बैठे, घंटा को आधा घंटा गुजरा मैंने गाड़ी चलाने में जाती थी। अच्छा आप यकीन करो उस वक्त पता नहीं था गाड़ी ड्राइवर क्या क्या गया था। उमर शरीफ ने कहा कि अब स्टूडेंट बिरयानी कौन लेकर आएगा, मुझे कहा भाई मैं कहा गाड़ी चला लेते, मैं कहा हाँ जी इनकार ही नहीं, गड्डी का भी कह दिता कि चला लेना चलानी है, स्टूडेंट बिरयानी का नहीं पता सदर इनकार नहीं किया। मैंने उन्होंने एक चाबी दी, छोटी गाड़ी थी मेरा किसी की गाड़ी थी मुझे याद है किसकी, मैंने वो गाड़ी ली और जाके मैंने इनकार स्टार्ट की, अलहमदिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ते चला, उस वक्त निकाली गाड़ी दो इशारों पर जाके गाड़ी बंद हो गई, चलाई। अब मैं क्या यार धमकी में कहना खैर मुझे फिर चला चला तो मैं ढाई घंटे बाद आया डब्बे लेके जिसकी गड्डी से फिर भाई वो गाड़ी उन्हें तो लेके खा गया खैर कोई ऐसे बात कोई पैसे नहीं देंगे। मैं जब ढाई घंटे बाद आया फिर आप ये कहाँ रह गया था, मैंने कहा भाईजान एक तो रास्ता भूल गया था, दूसरे नंबर पर ना क्या नाम है मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाने थे ना। अच्छा चलो वो दिन देख लिया तो मैंने फिर 12-13 साल उम्र शरीफ के साथ गुजारे, फिर मुझे उनकी गाड़ी भी चलाई, गाड़ी सर्विस में भी घर के काम किए, लाहौर आ गए, फिर उसके बाद मैं खालिदाबाद डार साहब के साथ रहा हूँ, उसके बाद मैं तकरीबन पेशमा डायरेक्टरों के साथ रहा हूँ, मैं सीनरी के लिए और नए इंटरव्यू किए ना आपकी टीम, फिर उसके बाद उन्होंने हार ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे साथ उनकी गाड़ी चलाता रहा कभी किसी की गाड़ी, यही बात आपकी है आपने कहा मैं कराची क्यों आप ड्रामा करें फलान कर देता, मुझे नहीं याद कि मेरा कोई बात ऐसे नहीं कि मैंने बताया ड्रामा से मेरा ये ड्रामा ख़त्म होता था जुमे रात को,
तो गुरुद्वार ने भी मुझे फ़ोन पी टी सी आई नंबर होते थे किसी को किसी तरीके से डाक्टर कर बहुत सारी पब्लिसिटी साथ का बात लगी और सब जाए तो वहाँ गया तो वहाँ से पता लगा कि अगला जुम्मा तो डेनियल खान का वहाँ से पता लगा कि अगला जुम्मा तो बखर कर रहे दरिया खान पाकिस्तान पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर थिएटर होता हो और मैंने उस थिएटर में ऐसा काम किया किसी थिएटर में जाकर मालकों से हो सकते यार यूनिस गुरु जाने और यार उन खेती लेके आओ तो वर्कर भी बहुत अच्छे मैंने ड्रामे के पोस्टर आप लगाए ड्रामे की पब्लिसिटी आप की और ड्रामे करने हीट रोड मैंने किया कंटिन्यू की मैंने की वो मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ इसलिए कि इनकार नहीं है। हाँ ठीक है इनकार नहीं है तो जो भी काम कहा वो कर लिया वो जो भी काम किया वो कर लिया ठीक है ना। तो हर बंदा आपको लेता है फिर आपकी ईमानदारी है वो अल्लाह ताला आपके रोल भी हिट कर देता है ऐसे ही। अच्छा गुल साहब ये बताएं कि आपकी शादियां कितनी है मुझे ज़रा कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हुई है आप बताएं अपनी शादियां कितनी। शादियों के बारे में ये तो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने ना शादी में मेरी असली जो खानदानी बहन थी वो एक शादी थी वो थी अच्छा बयासी के अंदर मेरी पहली शादी माँ बाप ने इसीलिए कर दी थी कि ये भाटे बन अच्छा पर मेरी बयासी में शादी हुई तो सर उस दौरान ना मैं डबल इतना हो गया था नुकसान में कि मुझे ने तीन लड़की की वजह से शादी की। अच्छा दूसरी हाँ वो मेरी पहली बेगम को कैंसर हो गया उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुमने अपनी बेगम की सबकी कैंसर हुआ तो इसकी उसकी शादी करने लगी उसके साथ डॉक्टर को मैंने कहा कि जो पूछा था अल्लाह ताला ने बेटी फौत जो वो दूसरी बीवी थी उसने जब वो फौत हुई तो उसने जब मैंने मतलब फिर उसके बाद में गया कराची ड्रामा कर रहा था किस फ्लैट में मैं रह रहा उसके सामने एक टीचर रहती थी तो जो बच्चे बीमार थे फिर चौथी फिर तीसरी के बाद में वो उसको हो गया तो काला जाता ये तो दसो हम कितने मतलब की कमा सारे जो बीमार शोबे सन तुम फड़े हम मैंने अल्लाह ताला ने किया उन्होंने खिदमत कर खिदमत करे को जी खिदमत की सारे मार दी नहीं मरिया नहीं हो जो काम की वजह ना बेचारी फिर अगर मेरे को अल्लाह ताला कोई गुस्ताखी ना कराए कि मैं किसी को छड़ा तो मैंने छड़ दिया फिर उसके बाद मैं डेली आता हूँ कुदरती डाबू किसी पर छापा पिया तो पुलिस ने कहा कि जो मियाँ बीवी साइड से हो जो नहीं है तो थाने चो और मजबूरन सामने का करना है दो साथ फिर एक मॉडर्न बाकी कुड़ी उसके नाल शादी कर ली। लेकिन टोटल ब्याह किन्ने हो गए पर निकाह छे हो सुभान दा हलवा सुभान अल्लाह भी नहीं सुभान दा हलवा सुभान दा नहीं मुल्तान दा हलवा मुल्तान दा हलवा चलो जी एंज कर लो मुल्तान दा हलवा। अच्छा गुल साहब हम बात मुख्तसर करते हैं क्योंकि हमारे ना गुलाम का टाइम ख़त्म हो रहा है आपकी बातें तो बहुत दिलचस्प हैं मजीद मैं आपसे मैं नाजिर एक बात इनसे ही करना चाह रही थी कि जहाँ मैं जाती थी गुल साहब मुझे नज़र आते थे मैं कहती थी शायद इस शहर के होंगे शायद ये लाहौर के होंगे शायद ये फिर बाद में मुझे पता चला कि गुल साहब मुल्तान के मगर हर शहर में ऐसे ही नज़र आते हैं कि ये शहर इनका अपना है। अच्छा मलका साहब जी मलका जी मैं जिस शहर में एक ड्रामा करने गया हूँ आप यकीन करें मैं एक बैग उसमें दो घंटे और शर्टें रखती थी मैं चाचे महीने अपने घर में तीन महीने भी काट दिए दो महीने काटे ड्रामा करने के हूँ मैं छः महीने लगाती हूँ साई बाग करने के हूँ वहाँ पर
फैसलाबाद गया, वो अच्छी तरह के पिंडी गया, तो कितने दिन अल्लाह तला ने थे रिस्क लिखे ना, थोड़ा बहुत फॉल खरीदा मैं लैके जी। गुल साहब एक मैंने वीडियो देखी थी कि जिसमें अपना गाड़ियाँ धो रहे थे, वो क्या वजह थी? वजह ये थी कि कोरोना की वजह से ठेले बंद है, तो कारोबार अपने आप तक में काम लेता सिर्फ रेस्टोरेंट कर शोरूम पर चले गए, उन्होंने कहा गाड़ियाँ धो रहे थे, मैं गाड़ियाँ धोने लगी। कोई इतफाक हुआ कि दो चार दिन बाद कोई वाकब आ गया, उसने वीडियो बनाई गलत कर, उन्होंने कहा भाई तेरी वीडियो गलत हो गई थी। अच्छा गुल साहब, ये आपसे मेरा आखिरी सवाल है, सवाल आप तक बहुत है क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से मेरे हफ्ते लग गए हैं, दिल करता है तो बस आओ। बहरहाल आखिरी सवाल ये है कि आप नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें तो वो दें। पैगाम ये है कि मौला अली का कौल है कि मैं बड़ों से प्यार इसलिए करता हूँ मुझसे पहले आई वाह, उनके गुनाह मुझसे कम है लेकिन मुझसे ज़्यादा है। बच्चों से प्यार इसलिए करता हूँ कि वो दुनिया में बाद में आए, उनके गुनाह मुझसे कम है नेकियाँ ज़्यादा है। तो लिहाजा कि ये ऐसा है कि आप लोग नए आने वाले सबसे बड़े पहली बात यह कि अपने सिरे की कदर करें, दुनिया से प्यार करें और जो भी काम जानते हो उस काम के अंदर मेहनत और लगन के साथ काम करते रहो, इंशाल्लाह ताला बरकत पाएंगे। ठीक है, आपकी तशरीफ आवरी का गुस्सा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, ठीक है, बड़ी दिलचस्प बातें की और बड़ी दिलचस्प बातों से आपने पर्दा उठाया। और हाँ, अब मैं आपकी बात कहने लगा, जी 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 बोले, बात यह कि आपके लिए सिर्फ इन लोगों के लिए देखने वालों के लिए अनजान टी वी देखें और यूनस जरूर देखें और उसको सब्सक्राइब और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। देखें आप और मैं, ये वादा है आपसे अच्छा मजा आएगा आपको अनजान टी वी। ठीक है गुल साहब, बहुत शुक्रिया, नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।